अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिडियो माइकोटा का इंट्रोडक्शन हमने किया था। तो बेसिडियो माइकोटा की इन डिटेल डिस्कशन आज करेंगे और नेक्स्ट ग्रुप्स के बारे में हम बात करेंगे। ग्रुप्स तो कंप्लीट हो गए थे, एक रहता था न्यूट्रो माइकोटा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बेसिडियम माइकोटा बेसिडियम जो बनाता है, ठीक है, दीज आर अमंग द मोस्ट फेमिलियर फंजाई। ये सबसे ज्यादा जाना जाने वाला फंजाई है जिसमें मशरूम्स आती हैं, प्लांट के पैथोजेंस आते हैं, रस्ट और स्मट्स डिजीजेज आती हैं, टफ बाल्स वगैरह आते हैं, ब्रैकेट या शेल्फ फंजाई आते हैं, ठीक है। बेसिडियम माइकोटा को बेसिडियम माइकोटा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बेसिडियम बनाता है, कप शेप स्ट्रक्चर बनाता है, इसे क्लब फंजाई भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या है, इकट्ठा एक दूसरे के साथ मिलकर काफी सारे ग्रो करते हैं, तो इसलिए इसे हम क्लब शेप फंजाई का नाम भी देते हैं। इसके पास रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं बेसिडियम बेसिडिया, इसके बारे में हमने बात की थी। पाइलस के नीचे बेसिडियम का स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर बेसिडियोस्पोर या बेसिडियम बनते हैं और बेसिडियोस्पोर जो है वो वहां पर बनाए जाते हैं और वहीं से रिलीज किए जाते हैं, ठीक है। बेसिडियम क्या होता है? वेलर लाइक जालर की तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, विलाई की तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये बेसिडिया होते हैं जिसके ऊपर बेसिडियोस्पोर बनाए जाते हैं। एक बेसिडियम है बेसिडियोस्पोर जिसके ऊपर पैदा किए जाते हैं। एक बेसिडियम पर चार हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर्स पैदा किए जाते हैं। हैप्लॉइड मींस वन जिसमें एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम मौजूद हो। बेसिडियम के अंदर नहीं पैदा किए जाते, बेसिडियम के ऊपर पैदा किए जाते हैं। अपनी लाइफ के बहुत ज्यादा पीरियड के दौरान ये हाइफी सेप्टेट होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, एक न्यूक्लियस हर एक सेल के पास होता है। लेकिन ठीक है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट होती है तो ये बाई न्यूक्लिएट डाइकैरियोटिक डाइकैरियन बन जाता है। एक सेल में दो दो न्यूक्लियस आ जाते हैं, ठीक है। ये बहुत लेंथी फेज होता है, डाइकैरियोटिक फेज फंजाई का सबसे लेंथी फेज है, ठीक है। तो हम जो माइसिलियम देखते हैं, प्लांट बॉडी देखते हैं, इसकी फंजाई की बॉडी देखते हैं, ये साई की सारी डाइकैरियन होती है, डाइकैरियोटिक होती है, ठीक है। उसका माइसिलियम कंप्लीटली डाइकैरियोटिक होता है, मुकम्मल डाइकैरियोटिक होता है। पक्सिनिया ग्रामिनस एक डिजीज का नाम है, पक्सिनिया स्पीशीज, पक्सिनिया फंजाई की स्पीशीज है। ग्रामिनस ग्रामिनी फैमिली से निकाला गया है। ग्रामिनी फैमिली किसे कहते हैं? जिसमें ये हमारी फसलें क्रॉप्स वगैरह आती हैं उन्हें हम ग्रामिनी फैमिली से उसका नाम देते हैं, ठीक है। इसमें रस्ट फंजाई और एस्टिलागो फंजाई, ये सारी स्पीशीज इसमें पाई जाती हैं जो रस्ट और स्मट की डिजीजेज काज करती हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे। रस्ट को रस्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसका कलर रस्टी टाइप होता है, ऑरेंज येलो टाइप होता है। रस्ट कहते हैं जंग को, जैसे आयरन पर, लोहे पर, लोहे के टुकड़े पर अगर उसे हवा में रख दिया जाए, एटमॉस्फेयर में रख दिया जाए तो जंग लग जाता है येलो कलर का। तो इसकी अपीयरेंस शक्लो सूरत जो है वो ऑरेंज येलो है, इसलिए इसे हम रस्ट फंजाई का नाम भी देते हैं। ये ज्यादातर स्टेम और लीव्स के ऊपर पाई जाती है। ब्रिक रस्ट, ब्रिक ब्रिक कहते हैं ईंटों को, ईंटों का जैसे पक्की ईंटों का जैसे कलर होता है ना, उसी तरह तो रस्ट फंगस जो है वो उस तरह की कलर के, जैसे कि यहाँ पर आप ये एक फ्रूटिंग बॉडी है वीट की, ठीक है, वीट गंदम का सिट्टा है जिसके ऊपर जो है वो स्मट डिजीज जो है वो हो गई है। स्मट को स्मट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका ब्लैक पाउडर मास जो है वो कर्नल्स के ऊपर, दानों के ऊपर, गंदम के दानों के ऊपर वो हमें नजर आता है, तो ब्लैक पाउडरी मास की वजह से वो सूट या स्मट सूट कहते हैं धुएं को, ठीक है, ब्लैक कलर के धुएं को,
धुएं की तरह दिखाई देता है स्मट, इसलिए उसे कहा जाता है। ठीक है, ये सारी की सारी जो है वो खुराक फूड जो कर्नल में होती है, दाने में होती है, गंदम के दाने में होती है, वो सारी यूटिलाइज कर जाते हैं, इस्तेमाल कर जाते हैं, खा जाते हैं, उसकी जगह अपनी रिप्रोडक्शन करके खुद की तादाद बढ़ाते हैं। तो गंदम कर्नल की जगह जो है वो फंगस ले लेता है, फंजाई ले लेता है। तो ग्रेन कर्नल रिप्लेस्ड बाय द स्पोर और स्पोर मासेस, ये इसका मतलब है। इसका लाइफ साइकिल क्या होता है? होता क्या है कि जब ये इन्फेक्टेड प्लांट को, ये यहाँ पे इन्फेक्टेड प्लांट जो है, ये इन्फेक्टेड प्लांट से स्पोर्स जो है वो फ्लावर में चले जाते हैं, फ्लावर्स की ओवरीज में पेनिट्रेट कर जाते हैं। ओवरीज में स्पोर्स जो होते हैं उन्हें स्पेसिफिकली टेलियोस्पोर्स कहा जाता है। ठीक है, जो हवा के जरिए डिस्पर्स होते हैं, ठीक है, और फ्लावर्स में जाकर लैंड कर जाते हैं, फ्लावर्स के अंदर गिर जाते हैं, फ्लावर्स की ओवरीज में गिर जाते हैं। ओवरी फीमेल पार्ट है, इनसाइड द ओवरी, ओवरी के अंदर ये वहां पर अपनी तादाद बढ़ाता है, रिप्रोड्यूस करता है। अपनी तादाद बढ़ाने के बाद ये फिर डॉर्मेंट हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, इनएक्टिव जब हो जाता है तो प्लांट ग्रेन पैदा करता है। वो ग्रेन के अंदर, कर्नल के अंदर, वो उस दाने के अंदर जो उस फ्लावर में हुआ है, जो उस ओवरी में पैदा हुआ है, तो जाहिर बात है वहां पर पहले ही वहां पर स्पोर्स पड़े थे। एस्टिलागोट्रेटिड का ये स्पीशी का नाम है, फंगस की स्पीशी का नाम है। ठीक है, जिसकी वजह से ये लूज मट ऑफ वीट वीट होती है। ठीक है, एस्टिलागोट्रेटिड का ये डिजीज पैदा करता है लूज मट ऑफ वीट। अब वहां पर पहले ही वो फंगस पड़ा है, कर्नल जब डेवलप होगा, बनाया जाएगा, उसकी ग्रोथ जब की जाएगी, तो उसके अंदर वो मौजूद होगा नेक्स्ट सीजन में। ठीक है, ये एम्ब्रियो में एंटर होता हुआ दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट सीजन में जब हम उस ग्रेन को, उस कर्नल को सो करेंगे, ग्रो करवाएंगे, ठीक है, जमीन के अंदर डालेंगे, तो उसके साथ साथ माइसीलियम भी ग्रोइंग पॉइंट की तरफ, एपिकल मेरिस्टम की तरफ, अपाइसिस पर, एपेक्स पर आ जाएगा। और वहां पर ये क्या है, जब फ्रूटिंग बॉडी उसकी पैदा होगी प्लांट की, तो उसके साथ ये फिर ग्रोथ करना शुरू कर देगा।